घर तो नहीं, बंगला कहूँगा। सो इसकी डिमांड जो है इट्स 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए का ये घर है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। भाई हो मेहरबानी हो गया आप, मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर। बैरिया टाउन में घूम रहे हैं, क्या वजूहात हैं? बस वैसे ही विजिट करने आए हुए हैं। अली साहब असल बात आप बताएं। कुछ नहीं, जिस तरह बाबा जी कहेंगे हमने तो वैसे करना है। क्या करने आए हैं बैरिया टाउन? अभी थोड़ा सा विजिट कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोई घर वगैरह देखने आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह आपको अच्छा सा घर दे। इस टाइम जो है हम बैरिया टाउन में मौजूद हैं। मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, काफ़ी तबीयत अपसेट है। ये बैरिया टाउन की मशहूर मस्जिद, और अभी हम निकल रहे हैं घर विज़िट करने के लिए, और आज हैं हम सिटी पे। रेंट का थोड़ा सा एक आइडिया दिया था मैंने आपको, रेंट की प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं कि एक साल पहले मैं देख चुका था अंदर जो वाले के साथ आ रहे हैं, वो कमाल के उन्होंने काम किया, ये 5 महीने से ये आपको दस मरले का वो कर दिया था, वो भी लक्ष्य करती चीज़ आ जाती है। वो 10 मरले का हाँ, 10 मरले के घर एक टेलर के अंदर, एक गैसरूम के अंदर। एन अदर होम 10 मरला फॉर सेल, हसबुनल्लाह व निमल वकील। जी बाबा जी, ये कुछ बेहतर है, आप देखो इसको, देखते हैं। शान तू हर वो शायद वेखनी है जो ठीक ना हो। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, बुखार, गला खराब और जुकाम, फ्लू। फ्लू की वजह से कान बंद है, बड़ी अजीब सी तबीयत है। और उसके बाद गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है और पूरा बहरिया टाउन छानना पड़ रहा है, हालात ख़राब है। अभी अली साहब जो है वो बरकत मार्केट आए हुए हैं खाना खाने के लिए। अली साहब क्या ऑर्डर किया? कढ़ाई, हांडी, कबाब, ओए मलाई बोटी, मलाई बोटी। तो आप ये खाना खाने आए थे, मकान परचेज करने आए थे, घर देख समझ नहीं आई मुझे, मुझे तो लग रहा है आप आउटिंग करने आए थे। शान की वजह से ही आए हम बरकत मार्केट। शान साहब थोड़ी वजह तो आए, तुम चुप चुप बैठे हो। बहुत शुक्रिया जी, जजाक अल्लाह। सराकी लगते हैं, सराकी जी आप पहचान के दसा तस्वीर भी लानी है। मैं वीडियो आपका देखता। आप नंबर यार सही
मेरा नंबर ही सेव करे तो सेंसिबल आते हैं, पैसे वाले लोग आते हैं, 90% क्लाइंट ओवरसीज होता है, वो आके बहस नहीं करता, उनको पता है कि ये मार्केट ओपन है। अब हम आपको जो रेट बताएंगे ना प्लॉट का, आप अपने तौर पे 10 लोगों से और भी चेक कर सकते हैं यार इस पट्टी में क्या रेट है, 2-4-5 लाख रुपए का फर्क कोई फर्क नहीं होता, बट कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, जो रेट होता है वो जस्टिफाई कर लेते हैं कि जनाब ये प्लॉट आज इतने का, इसकी करंट प्राइस ये है, ये इसका कवर्ड एरिया है, जो घर का वो तकरीबन 6 करोड़ से शुरू होता है और वो मैंने बताया ना 15 करोड़ तक, आप जिस रेंज में देंगे पहले हमने बहरिया टाउन विज़िट किया और अब हम विज़िट कर रहे हैं DHA फेज 6 में हम हैं। माशाल्लाह घर तो बहरिया टाउन में भी प्यारे थे बट DHA में ज़्यादा प्यारे, अच्छे फर्निश्ड हुए हुए हैं। बस दुआ ये है कि अल्लाह तौफीक दे हमें बस लेने की, ख़रीदने की तौफीक अता फरमाए, बिकॉज़ रेट्स आर टू मच हाई, लाइक टू मच है। सो पता नहीं क्या होगा बट घर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं। जी जी आया, अभी जो हम घर विज़िट करने आए हैं, दिल को तस्कीन तो दी जा सकती है देख के। मेरे पीछे है एक कनाल का घर, तो नहीं बंगला कहूँगा। सो इसकी डिमांड जो है इट्स 10 करोड़ रुपये का ये घर है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन, सो आज का व्लॉग करते हैं पेन। अब जो भी बाबा जी के हाथ में है कि बाबा जी अब जो भी हमारे लिए फ़ैसला करते हैं, बाबा जी का ये प्लान था कि अली और मेरे लिए एक न्यू घर लें। जी जी। सो अली के लिए, मेरे लिए नहीं, अली के लिए। तो अब देखते हैं मैं चढ़ा छांटू मैंने क्या करना जो भी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हमारे लिए दुआ गो रहिएगा, अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग करते हैं पे एंड, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, रामेश रिजवान CH, अल्लाह ने के बाद।